हे गाइस, ट्रैवल अक्रॉस विथ रोहिणी इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट रोहिणी। और अभी आप लोग मेरे साथ हो उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत गांव में पेंगोट, जो कि खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले इस पेंगोट के लिए हम लोग NCR से सुबह 5:30 बजे ही निकल चुके थे और अब दोपहर तकरीबन 1:30 बजे हम लोग पेंगोट पहुंच रहे हैं। और इस दरमियान हमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी मिले थे, तो मैंने उसे मेरे प्रीवियस व्लॉग में कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा नहीं होगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। पेंगोट में स्टे करने के लिए हम लोगों ने पेंगोट रिट्रीट नाम की प्रॉपर्टी बुक की हुई है। तो चलिए आइए, मैं आपको उस प्रॉपर्टी का टूर करवाती हूँ, जो कि बेहद खूबसूरत प्रॉपर्टी है। और यहाँ हम लोग पेंगोट रिट्रीट इस प्रॉपर्टी में एंट्री कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी पहाड़ों की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा कॉटेजेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ व्यू बहुत ही सुंदर है और जितने भी कॉटेजेस हैं वो काफ़ी स्पेशियस है। प्रॉपर्टी के एंट्री पर ही बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और जिन्हें देखकर मैं मेरी सारी थकान भूल गई थी। सारे कॉटेजेस को फ्रंट व्यू ही दिया गया है ताकि किसी को ये शिकायत ना रहे कि हमें ये व्यू नहीं मिला, वो व्यू नहीं मिला, हमें ये बालकनी चाहिए थी। तो सभी कॉटेजेस को ये वाला व्यू मिला है। यहाँ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की सुविधा की गई है। और यहाँ से अब चलते हैं ऊपर। ये प्रॉपर्टी पहाड़ों से घिरी हुई है, तो आप समर वैकेशंस में भी यहाँ आएंगे तो आपको ठंडा मौसम ही मिलेगा। दिखाती हूँ यहाँ से स्टेयर्स में, ये थोड़ी ब्यूटीफुल व्यू है, लेकिन सच में ये गए क्या अंदर? सीमा और राजेश भैया पूछ रहे हैं। अच्छा, कॉटेजेस में डिलक्स कॉटेज या फिर बंग बेड्स कुछ इस तरह से पैटर्न्स है, तो आपको कॉटेजेस के लिए उनके टैरिफ्स के लिए दिनेश जी, जो कि इस प्रॉपर्टी के ओनर है, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम, लोकेशन और कांटेक्ट नंबर्स मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। Uh,
ये पैंगोट एक्चुअली अपने आप में एक बर्ड सेंचुरी है, तो बर्ड्स की आवाज़ दिन भर सुनाई देती है। हम लोगों ने ये दो कॉटेजेस बुक किए हैं, ऊपर में हमारी फैमिली और सीमा और उसकी बेटी और रिचा, और नीचे में अंकल, मतलब आपके साथ अगर सीनियर पर्सन है, सीनियर सिटीज़न है, तो आप यहाँ पे उनको ला सकते हो, क्योंकि पार्किंग मतलब यहीं पे हो जाती है पास में ही, और यहाँ पे बैठने के लिए से झूले हैं, और बहुत प्योर एनवायरनमेंट है, प्योर वेदर है, प्योर है, एयर है। यहाँ पे भी है एक, बता दो कि 11 बजे तक तू नहीं आओगे तो हम जारी करेंगे, फोन करके गाड़ी खड़ी करेंगे। जो अभी पौधों को पानी दे रहे थे ना, वही दिनेश भैया है, जो कि इस प्रॉपर्टी के ओनर है, मैनेजर है, गार्डनर है और केयर टेकर है। वो और उनकी वाइफ ये प्रॉपर्टी का काम देखते हैं और चलाते हैं। ये रैम्बो है, और मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं हुई है। वैसे मुझे डर नहीं लगता है डॉग्स से, लेकिन इसके साथ अभी फ्रेंडशिप मेरी हुई नहीं, तो ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी मैं, दूर से ही देख लेती। अच्छा, रूम देख लेते, सामान मंगवा लेते। हाँ, सुपर, थैंक यू सो मच नितिन, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू। हेलो हेलो, नज़ारों से दिल नहीं भर रहा है, लेकिन भूख भी बहुत लगी है, तो पेट में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। चलते लंच करने। आप ले लो यहाँ, बोला ये आया, ये दे रहा है, और एक दे देना पर परसों। खाना बहुत ही टेस्टी था, और हमें दो दिन तक अभी किचन से छुट्टी मिली है, हम कुछ खाना नहीं बनाएंगे, ये खाएंगे, सिर्फ एंजॉय करेंगे, सिर्फ एंजॉय करेंगे। और कोई ये नहीं पूछेगा कि खाने में क्या बना, खाने में क्या बना है, और शिया ने ये क्यों बनाया और ये क्यों बनाया। शिया चाय बना रहे हैं, क्या शिया चाय बना रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगी। पेंट की जरूरत भी नहीं, कहाँ जा रहा है बेटा?
बट बड़ा है वो बड़ा है इससे ऊपर क्या है वो ये है कॉटेजेस है चलो अब चलते ऊपर चलते टूट नहीं जाता है वो तो चलता है अच्छा नहीं क्या होगा भीमताल में भीड़ है बस बाकी कुछ नहीं है यही शांति से बैठेंगे कल का भी पूरा दिन है क्योंकि हमारे पास संडे भी है कभी उस एंगल पे कभी यहाँ कभी हाँ बर्ड सेंचुरी जाएंगे वो देखने जाएंगे बर्ड सेंचुरी देखने जाएंगे अच्छा पैंगोट का प्लान बनाते समय हम लोगों ने सर्च इंजिन्स पे वेदर प्रेडिक्शन दिखा था तब वेदर हॉट एंड ब्राइट दिखा रहा था तो मैंने सारे समर आउटफिट्स ही पैक कर लिए थे और हम लोग चूँकि यहाँ दोपहर को पहुँचे थे तो थोड़ी सी गर्मी लग रही थी लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई और हमारे पास तो कुछ गर्म कपड़े थे ही नहीं लेकिन जब सच्चे दोस्त का साथ हो तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरी फ्रेंड सीमा ने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ले लिए थे तो बस हम लोगों ने वो यूज़ कर लिए तो आप लोग भी अगर समर में यहाँ पैंगोट में आने का प्लान कर रहे हो तो अपने साथ कुछ जैकेट्स या फिर हुडीज़ ज़रूर कैरी कीजिएगा 6 से 7 घंटे की जर्नी और लाजवाब लंच तो बहुत गहरी नींद आ गई थी अब उठे हैं हम लोग और अब चलते हैं इवनिंग टी के लिए पैंगोट की खूबसूरत वादियों में दोस्तों के साथ सुकून भरी गर्मा गर्म चाय NCR से पैंगोट तक का सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया था और रास्ते में हमें कई बार ट्रैफिक जाम्स भी मिले थे तो सबको थोड़ी सी थकान लग रही थी और सब लोग लंच करने के बाद सो गए थे और उठते उठते शाम हो गई थी तो अब लोकल साइट्स पे जाने का कुछ पॉइंट नहीं लग रहा था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं पे पीसफुली टाइम स्पेंड करते हैं डिनर करते हैं और बोनफायर एंजॉय करते हैं
घर है गोकुल बिहार में। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ डिनर कर रहे हैं, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय। हमारे रूम के टैरिफ में हमें मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी और डिनर इंक्लूडेड था। इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है दिनेश भैया, वो इस गांव के वेल नोन पर्सन है, और इनकी कई सारी पीढ़ियाँ कई सालों से यहाँ पे रह रही है। तो दिनेश भैया को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर ये आपको हेल्प करेंगे। तो गाइज मेरा नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही वंडरफुल और इंटरेस्टिंग मैजिक शो मैंने कवर किया है। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप मेरे अपकमिंग व्लॉग के लिए नोटिफाई रहेंगे। मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल अक्रॉस विद रोहिणी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स देखना पसंद है तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिए। अपना इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए रोहिणी अंडरस्कोर शेड्स, और एन्जॉय माई रील्स एंड टेक केयर।